सा धरती पे हरियाबरी, सा धरती पे हरियाबरी, सा धरती पे हरियाबरी, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे मेरा सतगुर बैठा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जी, आज तुसी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा प्रगट साहब, जो कि फिरोजपुर तो गुरु हरस हाई रोड से, ये हाईवे रोड के उत्ते जिहड़ा राजस्थान रोड जाता है, ये उत्ते लगभग फिरोजपुर तो 25-30 किलोमीटर दूर ये गुरद्वारा साहब स्थित है। ये गुरद्वारा साहब जदों 1988 दे विच हड़ आए सी, ते हड़ां दे दौरान ही तुसीं मीडिया थ्रू दर्शन भी करदे हो, लागे सूए दे विच गुरु साहब जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन स्वरूप जल दे विच इत्थे प्रगट होए सन। एन महाराज का स्वरूप अज भी वो गुरद्वारा साहब दे विच विराजमान है, दर्शन कराए जाते संगतां नूं बिल्कुल ही रुमाले दे विच लपेट के। पता नहीं किन्नी ये जगह बंदगी वाली होगी, किसी महापुरख संत ने इत्थे किन्नी तपस्या की होगी कि इस जगह नूं प्रगट करन वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने 1988 दे विच हड़ां दे दौरान, देखो पिछों कित्थों पानी आया, कित्थों चलिया, किधर पानी जल जाना, पर इस जगह दे उते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप जिन्हां गुरसिखां ने देखिया, एक पानी दे एक कंडे ते लगे हुए महाराज स्वरूप, जदों कढ़िया महाराज दे स्वरूप नूं बिल्कुल अंग सुके उस तरह ही रुमाले दे विच महाराज जी सच्चे पातशाह महाराज सुखासन सन, ते गुरसिखां ने कढ के इत्थे महाराज जी नूं विराजमान किया। महापुरखां नूं बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वालियां नूं बेनती की, ते बाबा जी ने 1988 तो ही इत्थे कार सेवा आरंभ कर दिती। इस जगह ने प्रगट होना सी, तप वाली जगह, ते महापुरखां ने भी संगतां नूं उस वेले ही हाँ कर दिती भी ठीक है उत्थे गुरस्थान बनाउणे आ। ते तुसी देखदे हो 1988 तो लै के गुरद्वारा साहब इत्थे शुरू किया, तुसी देख रहे हो कैमरे दे विच, ते इत्थे हाईवे रोड ते होण करके किन्नी इत्थे ट्रक बस होर आवाजाई इत्थे राजस्थान नूं गुरु हर सहाय जलालाबाद फिरोजपुर इत्थे संगतां नूं ट्रकां वालियां वीरां नूं बड़ा सुख है इशनान पानी करन वास्ते। गुरु का लंगर दी चाह प्रशादा सारा 24 घंटे इत्थे वरतदा, ते जंगल दे विच मंगल लगे। अज तुसी देखो 1988 तो लै के ये किन्नी जगह महापुरखां ने कुछ खरीदी, कुछ दान की संगतां ने, पहला गुरस्थान बनाया, उस तो बाद बाबा जी ने इत्थे सराम वास्ते रहायशी कमरे बनाए, लंगर हाल बनाया, हुण संगत की आमद नूं देखदे आ कि समागम भी उन्हां दिनां दे विच अस्सू दे विच इत्थे समागम हुंदा है, जिस समागम नूं मुख रखदिआं होइआं संगतां बड़ियां कत्तर हुंदियां ने इत्थे, ते दीवान हाल की बड़ी लोड़ सी, ते अज तुसी देख रहे हो महापुरखां ने कुछ कु महीने पहलां इत्थे दीवान हाल की उसारी जिहड़ी सी उह शुरू कीती। बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा तरन तरन वालिआं ने संगतां दे सहयोग दे नाल, ते इह लगभग 100 फुट चौड़ा ते 180 फुट लंबा थले लंगर हाल है, उहदे विच लंगर पकदा भी है, बीबियां प्रशादे पका रहीआं ने, दालां सब्जियां भी रिजदियां ने, छकाया भी जा रहा है, ते इहदे उपर इन्नी बिल्डिंग दे उपर ही 100x180 दा दीवान हाल, उह दीवान लगन वास्ते संगतां दे बैठन वास्ते महापुरखां ने इहदी उसारी कुछ महीने पहलां शुरू कीती सी।
ते आज संगतां दे सहयोग दे नाल फिर भी लॉकडाउन संगतां दा इकट्ठ ज़्यादा नहीं भी किया जाता, पर फिर भी तुसी देख रहे हो महापुरखों ने मशीनां भी दूजियां लिफ्ट वालियां ज़्यादा लाइया भी संगतां दा थोड़ा इकट्ठ घट किया जाए। तो फिर भी गुरु क्या संगतां दा इन्ना उत्साह लोहां वाले पासे भी बीबियां प्रशादे सतनाम वाहिगुरु का जाप करदियां पका रही ने, ते वीर उत्थे पकौड़ियां दी सेवा भी कर रहे ने, सतनाम वाहिगुरु का जाप हो रहा है, कोई कट रहा कोई बना रहा कोई छक रहे ने, ते लंगर जलेबियां दे पनीर दी सब्जी गुरसुख वीर नाम जपदियां तैयार कर रहे ने। तो संगतां नूं जिथे जिथे भी सेवा मिल रही है, कोई जल छका रहा है, कुछ मशीन दे नाल बाल्टियां दी सेवा कर रहे ने, तो यह सारिया सेवावां जिथे जिथे भी संगत नूं सेवा दे महापुरखों ने लाया है, उन्होंने जथेदार गाड़ी दूरों नेड़ियों चल के जिथे जिथे भी ड्यूटी ही उन्होंने सारिया ड्यूटियां नूं छड्ड के अज प्रगट साहब गुरस्थान ते पहुंचे ने। थां पर थां संगतां नूं सेवा ते लाया, संगतां लगियां, बड़ा ही उत्साह संगतां दा तुसीं देख रहे हो। तो सारिया संगतां नूं बेनती भी आ कि इस स्थान पर जिथे वह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप 1988 तो जिहड़े इत्थे प्रगट होए आ अज भी गुरस्थान के विच विराजमान ने, उन्हां दे प्रकाश हुंदे ने। तो संगतां नूं भी यह बेनती है भी वह महाराज ने सच्चे पातशाह ने किड्डी बख्शिश की इस जगह पर जंगल के मंगल लाए, इस रोड पर लंघदे आ चाहे फिरोजपुर आउंदे हो चाहे गुरु हर सहाय जांदे हो जलालाबाद अपने बच्चों नूं लै के, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के जिहड़े पावन स्वरूप ने वह भी प्रकाशमान ने, उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के भी दर्शन करो, तो इस स्थान की तन मन धन के नाल सेवा करके जन्म सफला करो। इनू फिडा ट्रेन भी कहा जाता जी, महाराज के स्वरूप जल के इतने प्रगट होए, जो महाराज ने इतने आसन किया तो उस स्वरूपों जो खोलिया गया वह अंग के नाल एक जिल्द के नाल एक अंग में इधर सिल सी एक बाकी सारे का सारा जो स्वरूप यह सुका जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये जिहड़े स्वरूप हैं इन्हां दी जिहड़ी लिखत आ जदों लड़ीवार तो पदछेद किए गए स्वरूप उस टाइम जिहड़ी तकनीक वरती गई सी पंज अंग लड़ीवार पंज अंग पदछेद, सो उस तकनीक दे नाल बाबा जी स्वरूप लिखे गए, सो जिहड़े स्वरूप इत्थे गुरद्वारा साहिब अपने कोल संशोभित हन, सो संगतां नूं बेनती है कि वध चढ़ के इत्थे दर्शन दारे करके लाहा प्राप्त करो। बड़ी वधिया जानकारी जी, देखो ये गुरसिख ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भगतां दी भट्टां दी चार गुरसिखां दी छे गुरु साहिबानां दी बाणी है, ते आपां जदों नमस्कार करदे आं गुरु ग्रंथ साहिब नूं ते सारे ही भगतां नूं भट्टां नूं गुरसिखां नूं आपां नमस्कार करदे आं, ते इत्थे दर्शन दे के संगतां नूं इस जगह नूं प्रगट कीता है, ते बेनती है भी सारियां संगतां इत्थे जरूर ही दर्शन करो। पता नहीं किन्नी क जगह ये तप वाली है, किन्नी क जगह तप वाली है, तो इस जगह पर जरूर ही अपने बच्चों अपने वड्डे वडेरियां अपने बजुर्गों इस जगह के दर्शन कराओ, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी खुशियां प्राप्त करो, तो महापुरखों के नाल तन मन धन के नाल सहयोग दे के होर भी जिहड़ियां रहिंदियां सेवा तो इन्हां होर भी नेपड़े चाढ़िया जाए, जिस तरह जल पानी का लंगर का चाह का रस्ते दे विच गड्डियां वालियां नूं हरेक वाहनां वालियां नूं बड़ा सोख है, ये लगातार ये सेवावां चलदियां रहन, ये संगतां दे सहयोग दे नाल ये सारियां संगतां इत्थे सहयोग दे रहियां ने, ते होर भी मीडिया थ्रू जिहड़ियां संगतां अज सुन रहियां ने उन्हां सारियां नूं बेनती है भी जरूर ही इस स्थान के दर्शन भी करो, तन मन धन के नाल सेवा करके अपना जन्म सफला करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब गुरमुख प्यारे जिहड़े भी कुछ सुनते आ जाए महापुरख पुराला कर रहे हैं, ये दो पक्ष ने, एक तो गुरु घर की इमारत बन रही है, दूजा कि हर लेबर मिस्त्री जेडे अधिकार मिल रहा रोटी मिल रही है, इस करके महापुरुषों ने चोण की भी किसी तरह भी नाले तो मेहनत कर दे नाले अभी गुरु घर की इमारत भी बननी, तो ये असी थोड़ा जहा ध्यान रखिया भी कोई इकट्ठे ना हो, एक दूजे के मूँह बन के रखो, तो जो सरकार के निजम ने उन्होंने मुताबिक चलो, यही साढ़े वालों अपील है बेनती है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। बैठा है मेरा सतगुरु बैठा है
बैठा।